फांसी उस जमाने में हाथी से कुचलवाते थे अपराधियों को। अकबर बादशाह यहाँ बीच में बैठे थे और चारों तरफ में उसके मंत्री बैठे थे। यहाँ वह महल पंच महल अकबर बादशाह गर्मी के समय वहाँ बैठ के यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, ये घोड़ों का अस्तबल था। यहाँ पर सब अकबर के आर्मी रहा करते थे। उसकी डिमांड की थी कि हमको घर के अंदर एक मंदिर चाहिए, उसी का ही पोर्शन है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरबार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी और आज हम लोग फुल डिटेल्स में फतेहपुर सीकरी का इंटरटेन करेंगे और आज हम लोग गाइड भी साथ में हायर करेंगे जो ऑथराइज रहे ताकि हम लोग को फुल डिटेल्स मिले। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। होटल में कुछ खाएं पियेंगे, हमारी ट्रिप स्टार्टिंग है। ये है वो होटल, यही चीज है। मोबाइल में और प्रैक्टिकल देखना अलग चीज है। ये एक्चुअली क्या है, ये किले का पूरा बाउंड्री वॉल है। ये मेन डोर हुआ करता था। अच्छा, जैसे कि राजा महाराजाओं के कोई भी दूसरी सेना आके अटैक ना बंद कर देते थे तो बाहर की सेना अंदर नहीं जा सकती है। ये पूरे किले का बाउंड्री वॉल है, इसको बोला जाता है आगरा गेट। ये इधर में पटा, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक वैन लिया और निकल गए आगे की ओर। ये हम लोगों ने पहला दूसरा गेट यहाँ पार किया, एक जो फर्स्ट में देखा था वो। और आप ये साइड में जो देख रहे हैं ये सब अभी खंडर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये हमारे गाइड हैं कुरैशी जी, जो हमें मुस्लिम अभी क्रिश्चियन जी। तीनों रानी से अकबर बादशाह को बेटा नहीं हुआ तो बेटे के लिए अकबर बादशाह आगरा से फतेहपुर सीकरी आए। उस जमाने में पूरा लाल पत्थर का पहाड़ी था और पहाड़ी के ऊपर में एक बहुत बड़े पीर बाबा रहते थे, उनका नाम था सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह भी आप लोग फतेहपुर चल करके देखेंगे। अकबर बादशाह ने उनको अपना पीर माना, उन्हीं के गाँव से एक बेटा हुआ महारानी जोधा भाई से। तो पहले बेटे का नाम पीर बाबा के नाम के ऊपर रखा सलीम, ये वही सलीम थे अनार किले वाले। और जब वो गद्दी पर बैठे तब उनका नाम रखा जहांगीर, पूरे जहां का बादशाह। तो ये पूरा किला अकबर बादशाह ने बेटे की खुशी में बनाया। अच्छा, तीनों रानी के महल अभी आप लोग अंदर चल करके देखेंगे, तीनों रानी के महल अलग अलग है। ये उसका दीवान आम था और मुख्य तीनों रानी में से सिर्फ बच्चे सिर्फ जोधा भाई के थे और कोई रानी के नहीं थे। नहीं थे, थे? मुस्लिम रानी से दो लड़कियां थी बेटी थी। इसको पूरा दीवान आम बोलते हैं, पब्लिक कोर्ट। आज के समय हिंदुस्तान में दिया जाता है ना मौत की सजा, फांसी, उस जमाने में हाथी से कुचलवाते थे अपराधियों को। अच्छा जी, अकबर का खूनी हाथी था, गार्डन नहीं था, ऐसे पत्थर के फ्लोर थे। ये पत्थर देखो लगा ना लाल कलर के गार्डन में, ये हाथी के बांधने के लिए वहाँ नहीं, ये नीचे फ्लोर ये पब्लिक के बैठने की जगह, चारों तरफ में वो अकबर के बैठने की बालकनी। वहाँ से बैठने के बाद वो ऑर्डर करते थे सेना को और सेना हाथ पैर बांध करके हाथी के सामने फेंकती थी, वो पैर से कुचल करके मारता था। उस जमाने में वो लोग खुले में मौत की सजा देते थे, इसलिए आने वाले समय में कोई अपराध ना करे। तो आजकल गार्डन लगा दिया बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए। अच्छा, ये दीवाने हम अंदर दीवाने खास रखेंगे, खास लोगों का मीटिंग हॉल, स्पेशल मीटिंग इसके अंदर करते। अच्छा, वो अपने जो मुखिया लोग थे, यहाँ दिखने में ये डबल लगता है लेकिन सिंगल है। बीच में वो अकबर साहब बैठते थे और चारों तरफ उनके वो रहते थे ना, नवरत्न। मीटिंग के समय कोई भी लोग अंदर नहीं आते थे, चारों तरफ उनके सिक्योरिटी गार्ड। और मीटिंग यहाँ पर नहीं, मीटिंग वहाँ ऊपर करते थे। ये अकबर बादशाह के बैठने की जगह बीच में, अकबर बादशाह यहाँ बीच में बैठे थे और चारों तरफ में उसके मंत्री बैठे थे नौ रथ। ये ऊपर जाने के रास्ते ये बंद कर दिए। अच्छा, अकबर को तीन रानी थी ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, पास आ जाओ। ये देखो तीनों धर्मों के सिंबल लगे हुए हैं। ये क्रिश्चियन डिजाइन है, चर्च गेट, चर्च विंडो, गौतिक क्रिश्चियन। ये मुस्लिम जामा मस्जिद का आर्च, ये हिंदू कमल का फूल। ये पिलर लेवल पर है। अच्छा, हम लोग पहाड़ों पर खड़े हुए और उस जमाने में बिल्डिंग की बारिश होती थी। इधर देखिए बारिश का पानी नालियां है। अच्छा, इसके द्वारा पानी देखो वो टैंक में इकट्ठा होता था। अच्छा, और बाद में वो लोग इस पानी को बिल्डिंग बनवाने के लिए जानवरों के लिए यूज करते थे, पीने के लिए नहीं,
अच्छा। पीने का पानी वो कुओं बनाते थे, ये सिर्फ ये यूज करते थे सिर्फ जानवर लोग, उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को इकट्ठा करने की जगह। अच्छा अच्छा देखिएगा, तीन कमरे हैं, एक दो तो ये हो गया यहाँ पे, यहाँ पर पैसे वैसे सब जमा करते चारों तरफ, और ये हो गया इसके पोर्शन, ये खजाना रखने के लिए यहाँ पर लॉक लगाया जाता है, और यह पूरा लोहा का दरवाजा खजाना रख, तुम ये राजा रानी के बैठने का टेबल है, ये बना हुआ नीचे दबंग की बना ना, एक तो देखिए वो दो तीन ये चार, मतलब कोर्ट के लिए यहाँ लड़कियाँ खड़ी होती थी, उनके कपड़े डिफरेंट कलर थे, एक लड़की यहाँ कॉलम के अंदर खड़ी होती थी, वहाँ बैठने के बाद वैसे डाइस करते थे, जो डाइस का नंबर आता था वो लड़कियों को ऑर्डर करते थे, वो गोली चलती थी नाच करके डाइस के अकॉर्डिंग, ये लगा ना क्रॉस देखिए इस पर गोली नहीं पटेगा सेफ, ये हवा महल पंच महल अकबर बादशाह गर्मी के समय वहाँ बैठ के पूरे फतेहपुर सीकरी के नजारा देखते थे, ये ऊपर जाने के रास्ते इसलिए बस जाती है जिसके पिलर बहुत कमजोर हो गए, इसके ऊपर क्या 1995 से उससे पहले ऊपर जाने के रास्ते खुले हुए थे, इस बिल्डिंग का दूसरा नाम हवा महल, एक हवा महल बना हुआ जयपुर में और हिंदुस्तान के अंदर फेमस, ये पंचमहल के नाम से फेमस, तो इसके मनोरंजन की जगह थी। अच्छा अब आप लोग यहाँ से फोटो ले लिए, यहाँ पे सभी बच्चे पढ़ाई करते थे, या वहाँ उस समय का ये गुरुकुल समझिए एक तरीके से, जहाँ बच्चे तालीम लिया करते थे स्टडी करते थे। लेकिन हो गया प्यार, अकबर के बैठने की जगह उस जमाने का है कि तालाब बना हुआ था, बीच में तानसेन बैठते थे और वहाँ से सुर ताल में एक ताल बजाते थे, सोचिए उस समय आवाज़ से बारिश होती थी और आवाज़ से ही सारा चीज़ बदल सकते थे, और बारिश पानी आती थी ताल की और सुर से, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये वो जगह है जहाँ जोधा भाई खाना बनाती थी, इसका बुफे और डाइनिंग सेट है, सब यहाँ रखते थे, यहाँ पे खाना निकालते थे और नीचे दस्तरखान में लगाते थे, बाकी खूबसूरत। यहाँ पर ये लोग ये तो दरवाजा लोहा पत्थर के रहते थे, दरवाजा पत्थर के रहते थे, ये हो गया ये पलंग है, ये पलंग है, बैठे पलंग लोग इसके ऊपर बस होते थे उस जमाने में, हर चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए पोस्टर डालते, बच्चे लोग ऊपर जाकर के कूदते हैं, ये बिल्डिंग भी हानिकारक है, उस जमाने में मकबर की गद्दे तकिए रजाई यही से होते थे, दिन के समय अकबर यहाँ आराम करते थे, रात के समय पानी की महंगा यहाँ से छोटे गए थे, बहुत खूबसूरत। लेकिन काफी बहुत पुरान हो गया, इसलिए पेंटिंग ऐसा खत्म हो गया, ये महल बीरबल का था, अकबर बादशाह ने ये महल उसको गिफ्ट में दिया था, अकबर बादशाह के सलाहकार थे, और यहाँ चार भी बने हुए, ये पता कुछ सीखने का दूसरे नंबर पर आता कुछ सीखते नहीं, पहला देखे ना शीश महल, हाँ दूसरे गरीब बीरबल का महल, मैं भी
यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, ये घोड़ों का अस्तबल था। आर्मी सबकी थी यहाँ पर, सब अकबर के आर्मी रहा करते थे, उसके सैनिक वैनिक जितने भी सभी लोग थे। जोधाबाई का महल, और जस्ट इसके सामने ये है किचन। ये जो है ये जोधाबाई का महल है, अंदर से आप देख सकते थे काफ़ी खूबसूरत। उस समय का ये बना हुआ आज भी उसी तरीके से है, बहुत अच्छा नक्काशी की हुई है इसमें एक राजपूताना स्टाइल में। जोधाबाई और दो जगह रहती, ये गर्मियों के लिए और ये सर्दियों के लिए। और सर्दी के समय बहुत अधिक इसमें फर्क तो ये है, वो नीचे नहीं ऊपर था क्योंकि उस महल के पीछे लगी ना थी बीच में जालियाँ, कि हम लोग पीछे तो थे कि वही महल है हवा के लिए, वो तो सर्दी के महल पीछे से बन गया। इसका व्यू बिल्डिंग पर आता था, इसके अंदर में चिमनिया थी आग के लिए, उसकी वजह से गर्म रहता था। वो मंदिर का पूजा के लिए, लेकिन पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे को पानी देते हैं, यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था ज्वास का। ये जोधाबाई का मंदिर है, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे मंदिर में ही रहना है, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, आप मेरा फॉर्म नहीं चेंज कर सकते। बहुत ही खूबसूरत, और जो बीच में देख रहे हैं वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति रहती थी, क्योंकि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति है जोधाबाई। ये जो पिलर देख रहे हैं इसमें तीनों धर्म की मिलावट है, इसमें देखिए सुदर्शन चक्र सारी चीज़ है। अभी हम लोग पैदल जाएंगे वहाँ पर सिकरी में। इसमें ये सलीम दरगाह चिश्ती साहब की सबकी कब्रें हैं, जेंट्स के परिवार के बाहर में है और लेडीज सबकी जितने भी हैं सबके अंदर है, छोटे बड़े जितने भी हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी जेंट्स की नहीं है, ये सब सभी लेडीज़ की हैं। अंदर का पोर्शन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। ये वही जगह है जहाँ अनारकली को रखा गया था, सभी लोग झूठ बोलते हैं, दीवार में चुनवाया नहीं गया था, अंदर रखा गया था। अंदर में बहुत बड़ा रास्ता है जो बाहर निकलता है। कि नाचने वाली अगर एक राजा से प्यार करेगा, मेरा समाज प्रजा के अंदर की इज्जत रहेगा। एक सम्राट ये सभी लेडीज़ की कब्रें हैं अंदर में, उन्हीं के नस्ल की सभी जगह की। अभी हम जा रहे हैं सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, जो बहुत बड़ा जाता था, वहाँ राजा को अकबर को बेटा नहीं हो रहा था तो वहीं पर आकर मन्नत मांगे थे, ये वही जगह है। उसके बाद उनको एक बेटा हुआ। नोटिस किया यहाँ का मार्बल्स, धूप में इतना गर्म है फिर भी यहाँ का मार्बल ठंडा है। चलो, यहाँ मन्नत मांगी जाती है और मन्नत कबूल ज़रूर होती है। एक धागा बांधा जाता है, और देखिए तो खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से। ये है वो चिश्ती सिंह साहब की दरगाह, और यहाँ पे लोग हाथ, ये मस्जिद हो गई जामा मस्जिद, यहाँ सब वजू बनाते हैं। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा बोल जाता है, जिसमें है ग्राउंड फ्लोर। दुनिया में सबसे बड़ा दरवाजा है, हाइट इसका 176 फीट का है, चौड़ाई 90 फीट की है। अच्छा, ये है पूरा शेर फतेहपुर। यहाँ से पूरा सिटी खूबसूरत लगता है, सभी जगह देख सकते हैं। बहुत मतलब सभी मदरसे हैं, सभी गेट में, मतलब जो रॉयल फैमिली रहते थे वो लोग के बच्चे पढ़ते थे ना। जी जी, हमारी टूर अब ख़त्म हो गई है, अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी के पास जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग बस पकड़ के जाएंगे जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है, वहाँ से तकलीफ आए। ठीक है, धन्यवाद।